पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? फिर भाई क्या वजह है? क्योंकि वो बीजेपी के हैं, इसे गिरफ्तार नहीं कर रहे। बीजेपी का सांसद मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा, गुंडागर्दी करेगा, क्या देश की बहनों के साथ बेटियों से अत्याचार करेगा, दुराचार करेगा, तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? इसको गिरफ्तार किया जाए, तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या हमारे घर की बेटी एक दिन अगर चार घंटे घर पे ना आए तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं? एक बेटी घर के चार घंटे ना आए तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं। और आज ये बेटियां कितने दिन से बैठी हैं, अपने घर का रुख नहीं किया, अपने घर पे नहीं गई, लेकिन इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठी है, लोगों को जागृत करने के लिए यहाँ बैठी है। इसके लिए ना लोकतंत्र है, ना संविधान है, ये ऐसी सरकार है, निकम्मी सरकार है। इसके लिए ना संविधान है, ना इसके लिए कोई लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र के लिए कोई जरा भी शर्म होती तो गिरफ्तार करते, गृह मंत्री में थोड़ी सी शर्म होती तो इसको गिरफ्तार करते। अभी तक गिरफ्तारी ना, जिसके ऊपर 40 मुकदमे हों, 40 मुकदमे, आम आदमी किसी पे हो तो पुलिस घसीट के ले जाती है। पॉक्सो एक्ट है, कितना संगीन आरोप है, क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा है? ये तराजू लेके क्यों आए पहले ये बताएं? मैं तराजू लेके इसलिए आया हूँ कि ये एक न्याय का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा FIR करो, FIR हो गई, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम इस बात की हैरानी है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये सरकार गूंगी बहरी है? क्या ये सरकार गूंगी बहरी है? इतने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, जो देश के लिए सोना लाए, हमारी बेटियाँ हैं, देश की बेटियाँ हैं, कितने दिन हो, कितनी मायूसी है। इस मायूसी को लेकर आप ये बताइए कि सरकार सो रही है? क्या सरकार का कोई मंत्री या सरकार का कोई सलाहकार उनको बताने वाला नहीं कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी करो, FIR होगी? सुप्रीम कोर्ट जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने कहा और आपने अभी तक गिरफ्तारी नहीं की। अब तो वो अपने आप को इस्तीफा भी देते हैं, तो उन्होंने यह इस्तीफा नहीं दिया। तराजू आप लेके आए, ये जहाँ भी कानून का प्रतीक इंडिया में आप देखेंगे, भारत में, जी जी, तो हाथ में तराजू और आंख पे पट्टी। हाँ, लेकिन मैं आप, लेकिन पट्टी का मतलब ये होता था कि किसी में भेदभाव नहीं करना है, ये नहीं देखना है सामने कौन है, बिल्कुल, ना अमीर हो गरीब हो, भारत की हर जनता के लिए न्याय बराबर होगा। तो लेकिन पट्टी तो ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब जैसे आपने कहा कि अंधी और बहरी, गूंगी और बहरी, नहीं गूंगी और बहरी, और बहरी का प्रतीक नहीं है कानून का, आंख में पट्टी जरूर है, और तराजू भी पलरा भी लगता है आपका, तो सीधा यहाँ तो झुका हुआ लग रहा है। देखिए यहाँ कर क्या है, अगर मैं बराबर इसलिए रखा हुआ है, मेरे लिए सब कुछ बराबर है, देश में सारा कानून सबके लिए एक जैसा है, देश में जितना भी कानून है सबके लिए एक जैसा है। लेकिन जबकि सर्वोच्च न्यायालय, मेरी बार बार ये कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि FIR का आदेश दिया वो, लेकिन लोग गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजह है? या पुलिस पे दबाव है, या पुलिस पे दबाव है, बहुत बड़ा दबाव है, और दबाव किसका है ये आप सब लोग जानते हैं। नहीं, आप तो एक आम आदमी है, आपके लिए कानून बराबर सही है, बिल्कुल बराबर, देश को चला रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए ना। वही तो कहना चाहता हूँ ना कि इतने दिन हो गए FIR को, इतने FIR हो गए, इतने दिन हो गए, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? ये जो कह रहे हैं इस्तीफा लिया, इस्तीफा नहीं लिया, वो उस दिन उनकी खत्म हो रही थी नौकरी, खत्म हो गई नौकरी, खत्म होने के बाद भी इस्तीफा मामला है ही नहीं यहाँ पे, मामला यहाँ न्याय की है। आप किसी का यौन शोषण कर लो और इस पद से इस्तीफा दे दो, हो गया बात, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पद से इस्तीफा नहीं दिया, बर्खास्त खत्म हो गया, या ना दिया, ये मसला ही नहीं है। वो गिरफ्तारी देखिए, पॉक्सो एक्ट है, उसको गिरफ्तार करो, क्यों नहीं किया गया गिरफ्तार उसको आदमी को अभी तक? इतने दिन हो गए, शर्म आनी चाहिए। 130 करोड़ लोग हैं यहाँ देश के, कितने लोग, कितनी संस्थाएं, कितने धार्मिक संस्थाएं, कितने संगठन के लोग, मजदूर, किसान, सब लोग यहाँ आ चुके, सब लोग अपनी अपील कर चुके, देश में अपील कर चुके हैं इन पहलवानों के समर्थन में। क्या सरकार घूंगी बहरी है, समझ में नहीं आती? इन्हीं लोगों ने वोट दिया, सरकार को चुना था, बड़े बड़े वादे करते थे नौकरी देंगे, ये किए ना, नौकरी दी ना, कुछ किया, और अत्याचार है इन पहलवानों पे, वो भी बेटियों पे, जो देश के लिए जो इज्जत बना के आई, वो आज रो रही है, यहाँ पटरी पे सो रही है, और वे पलंगों पे सो रहे हैं, शर्म नहीं आती? कहाँ के प्रधानमंत्री, कहाँ के गृह मंत्री, किसी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एक बेटियों पे शोषण हो रहा है, नाबालिग बच्चों पे शोषण हो रहा, और ऐसा आदमी जिसने 40 मुकदमे दर्ज हैं, गुंडागर्दी के, कत्ल के, अपहरण के, और उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आपने कहा क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? भाई बीजेपी के सांसद है, कोई अन्य पार्टी का तो नहीं है वो, तो बीजेपी के, बीजेपी के सांसद को कैसे गिरफ्तार करा दोगे आप? सर बिल्कुल, हम यही कहते हैं, जनता 130 करोड़ जनता है, अभी जनता ने किया ना कर्नाटक में साफ कर दिया, जनता देख रही है सब, जनता भगवान है, जनता भगवान है और ईश्वर है,
जो कहते हैं ना जब मिलता नहीं माल या ये आपको न्याय नहीं मिलता तो ईश्वर ही देखता है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। कानून सिर्फ इस देश में आम आदमी के लिए है या विपक्ष का कोई पार्टी हो, नेता हो, मंत्री हो, उसके लिए? देखिए बीजेपी के लिए कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी ना तो संविधान में विश्वास करती है, न्यायालय में विश्वास कर रही है, जबकि न्यायालय में का FIR करो और देश के 130 करोड़ न्यायालय में विश्वास करते हैं। हम ये चाहते हैं, मेरी ये मांग है, इसको गिरफ्तार किया जाए ब्रिजभूषण को, और हम ये कहते हैं इसको गिरफ्तार करो क्योंकि ये न्याय है, इस देश में न्याय चलता है, सबसे सर्वोपरि ये न्याय है, इस देश का संविधान देश संविधान से चलता है, देश न्याय प्रणाली से चलता है, मनमानी तानाशाही से देश नहीं चलता, ये सरकार तानाशाही है, डिक्टेटरशिप वाली सरकार है, प्रधानमंत्री तानाशाही है, गृह मंत्री तानाशाही है, तड़ी पार व्यक्ति आज देश का होम मिनिस्टर है, हमें शर्म आती है, तड़ी पार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तड़ी पार व्यक्ति है, हमें शर्म आती है, देश का क्यों शर्म आ रही है, चुना किसने? देश की जनता, तो फिर जनता को शर्म आनी चाहिए ना, जनता ने चुना है। देखिए बदलाव होते रहते हैं, जनता बदलाव करती है। बदलाव क्या, पहले नहीं पता था कि कौन है? जनता भगवान है, सर पर यह जनता भगवान है, हम जनता को भगवान मानते हैं, जनता जिसको चुनेगी वो जनता भगवान है देश के लिए। लेकिन गलती की, आज 9 साल हो गए, लोग पछता रहे हैं कि ये सरकार झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलती है और लोगों को बरगलाती है। ये झूठ नहीं है क्या? ये झूठ नहीं है कि FIR हो गई सुप्रीम कोर्ट ने? ये लटकाने वाली बात है कि SIT कर दी गई, ये लिंगर ऑन करने की बात है, जांच को लिंगर ऑन करने की बात है। इस जांच को लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता, हमें पहले उसकी गिरफ्तारी चाहिए, वो अत्याचारी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी चाहिए। आज जो ये बेटियां यहाँ बैठी हैं, कितने दिन हो गए हैं कि लोगों के न्याय मिल सके, लोगों के इस न्याय मिले, ताकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। आखिरी में एक चीज बताइए जी, जो आप लेके खड़े हैं तराजू, बिल्कुल, और कानून जो हाथ में पट्टी बांधा है, लेकिन सबसे पहली बात, ये तराजू तभी काम करता है जब इसके अंदर में सबूत, एक तरफ सबूत, एक तरफ आरोपी। जी जी, सबूत, अदालत चलती है सबूत पे, सबूत इकट्ठा करना जिस पुलिस का काम है, वो तहकीकात करके जज के सामने सारा सबूत रखेगी, तभी तो कोई जज फैसला लेगा, तभी तो कोर्ट निर्णय लेगी ना। तो जिनका काम है सबूत लेके कोर्ट में देना, वो तो काम ही नहीं करेगी, क्या करेगा अदालत, क्या करेगी? देखिए सुनिए, अदालत का काम है सबूत देखना, मानता हूँ आपकी बात, लेकिन मैंने खाली क्यों रखा है? मैं कोई न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं हूँ, मैं लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, मैं आवाज़ उठा रहा हूँ जिन पे अत्याचार हुआ है, सबूत वो देंगी, चिल्ला चिल्ला के वो कह रही हैं कि हम अदालत को सबूत देंगे, हम अदालत को सबूत देंगे, राष्ट्रपति को सबूत देंगे, चिल्ला चिल्ला के वो कह रही हैं। तो मैं कोई नहीं न्याय प्रणाली के ध्यान आकर्षित करने के लिए, मैं कोई जज नहीं हूँ ना कोई नहीं, न्याय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, और लोगों को न्याय मिलेगा किसी को। इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, आप नहीं कोई भी जनता खड़े होकर न्याय का गुहार लगा सकते हैं, किसी के लिए गुहार लगा सकते हैं। सरकार देश का किसान, जो 800 किसान शहीद हो गए देश के लिए, उनके मुखिया राकेश टिकैत है, बड़े बड़े नेता है सारे आए, भूपिंदर हुडिया आया, प्रियंका गांधी जी आई यहाँ पर न्याय के लिए, सब लोग सभी पार्टियों का है, मजदूर संगठनों के लोग आए, महिला संगठनों के लोग आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लोग आए, कितने लोग आए, लेकिन क्यों सरकार बहरी है ना? क्या 130 करोड़ों की बात मन की बात में कही जाती है? मन की बात में कर्नाटक हार के कही, अभी इतवार गुजर गया, मन की बात में कभी कहा कि इनको न्याय दूंगा मैं? बोला, अगर आप लोग कहते हैं कि मेरा 100 एपिसोड हो गया, तो आज 20 दिन हो गए हैं, इनको दिया न्याय क्या? इनकी बात कही गई मन की बात में? ये बेटियाँ नहीं है, सोना लाए तब तो घर पे बुलाया, आइए गोल टेबल बैठिए, तो क्या आज ये पटरी पे सोने नजर नहीं आता? नजर नहीं आता, नहीं आता ना। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने में ये माहिर है लोग, ना ये संविधान को मानते हैं ना ये लोकतंत्र को मानते हैं। तो इसलिए मेरी मांग है, ये ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं तराजू लाया हूँ, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय, उसने कहा FIR करो, कितने शर्म की बात है, एक FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना पड़ा? क्या बाकी एजेंसियां क्या कर रही है, क्या कर रही थी एजेंसी इनकी, NIA क्या कर रही है, CBI क्या कर रही है? भाई साहब विपक्ष को अब इकट्ठा हो गया, विपक्ष और देश की जनता, इनका ऐसा बैंड अप बजाएगी कि याद करेंगे, जनता के लिए कुछ नहीं है, जनता के लिए जनता आपके तो कुठाराघात कर रहे हैं, जनता की जेब खाली कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, जनता पे जितना ये कर सकते हैं जुल्म कर रहे हैं, और जनता जुल्म सहन कर रही है, ये मत भूलो, ये जनता जो बड़ी सहनशीलता वाली है, भारत की जनता 130 करोड़ जनता बड़ी सहनशीलता वाली है, और इनकी सहनशीलता का इम्तिहान मत लो, इनकी सहनशीलता का इम्तिहान मत लो,
बहुत बुरा पछताओगे आप, आपको जगह नहीं मिलेगी सर छुपाने की। जब ये 130 करोड़ लोग जनता जागृत हो गई तो आप सर नहीं छुपा पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रिजभूषण को ब्रिजभूषण को ब्रिजभूषण को ब्रिजभूषण को ब्रिजभूषण को पहलवानों को न्याय दो, 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 ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो। अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं इस प्रदर्शन को समर्थन करने में। आप